हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ द रोल ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया इन एआईबी एग्ज़ाम। सो जो आप लोग एआईबी एग्ज़ाम देते हो उसमें बार काउंसिल ऑफ इंडिया का क्या रोल है, बिकॉज आप में से बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जो अभी फाइनल एग्ज़ाम्स जिन्होंने दिए हैं और वो एआईबी 19 एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो आप लोगों को जो है पता होना चाहिए कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया का क्या रोल होता है एआईबी के साथ, एआईबी एग्ज़ाम के अंदर। सो गाइस, अगर आप लोगों को पता हो या आपने अपने किसी कलीग से पूछा हो कि फर्स्टली अगर आप लोगों ने अपनी एलएलबी या फिर बी एलएलबी की डिग्री को कंप्लीट कर लिया है, उसके बाद जो है आप लोगों को अपना फर्स्ट स्टेप क्या फॉलो करना होता है, आप में से अगर कोई कैंडिडेट है और उसको एआईबी 19 एग्ज़ाम देना है, तो गाइस आप लोगों के लिए वीडियो है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो ये डिग्री मिलने के बाद आप लोगों के पास जो है एक वैलिड प्रूफ आ गया कि जी हाँ, आप लोगों ने जो है अपना डिग्री को कंप्लीट कर लिया है एंड मार्कशीट आप लोगों को मिल गई है किसी बीसीआई रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। सो फर्स्ट स्टेप जो है आप लोगों को क्या फॉलो करना पड़ता है, स्टेट बार काउंसिल के अंदर रजिस्ट्रेशन आप लोगों को कराना होता है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप में से बहुत सारे कैंडिडेट्स तो ऐसा भी सोचते होंगे जो भी फ्रेशर हैं कि डायरेक्ट जो है हम एआईबी एग्ज़ाम दे देंगे और रजिस्ट्रेशन वगैरह का जो है उनको इतना नहीं पता होता है। तो गाइज, अगर आप लोगों ने अपनी बी एलएलबी एलएलबी की डिग्री कम्प्लीट कर ली है या आपने बहुत साल पहले करी थी, तो उसके लिए जो है आप लोगों को अभी अपना स्टेट बार काउंसिल के अंदर जो है रजिस्ट्रेशन कराना होगा पहले, उसके बाद जो है आप लोग अपना एआईबी का एग्ज़ाम दे पाओगे। अगर आप लोगों ने स्टेट बार काउंसिल के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, एनरोलमेंट नंबर आप लोगों को दिया जाता है स्टेट बार काउंसिल से, और वो एनरोलमेंट नंबर जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब आप लोग जो है एआईबी एग्ज़ाम की रजिस्ट्रेशन करती हो तो, ठीक है। सो अगर आप लोगों के पास स्टेट बार काउंसिल का एनरोलमेंट नंबर नहीं है तो आप लोग एआईबी एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे, उसके लिए आप लोग एलिजिबल नहीं हो पाओगे, ठीक है। सो सबसे पहले स्टेप आप लोगों को ये फॉलो करना है, फिर उसके बाद जो अपनी एआईबी एग्ज़ाम के लिए रजिस्ट्रेशन करनी है जब भी डेट आ जाए, फिर जो है आप लोग अगर एग्ज़ाम को क्रैक कर पाते हो तो सीओपी मिलता है, फिर आप लोग अपना एडवोकेसी फील्ड में जा सकते हो, इंडिया के किसी भी कोर्ट में जा कर के आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो बिना किसी भी फाउंडेशन के, बिना किसी रोक टोक के आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो किसी भी कोर्ट में जा कर के, ठीक है। और अगर मैं आप लोगों को एक चीज़ यहाँ आप लोगों के साथ शेयर करनी है, अगर आप लोग एआईबी एग्ज़ाम देना चाहते हो और आप लोग जो है ये सोच रहे हो कि हम एग्ज़ाम, बहुत बार ऐसा होता है कि आप लोग रजिस्ट्रेशन करा देते हो फिर आप लोगों को लगता है कि हमें जो है रिफ़ंड हो जाएंगे, वापस आप लोगों को पैसे नहीं मिलते हैं अगर आप लोग एक बार अपना रजिस्ट्रेशन इस एग्ज़ाम के लिए कराते हो, तो वापस आप लोगों को किसी भी तरीके का कोई भी पैसा जो है इसके अंदर नहीं दिया जाता है। ये चीज़ आप लोगों को बिल्कुल ध्यान रखनी है अपना रजिस्ट्रेशन कराने से पहले, ठीक है। और बार काउंसिल ऑफ इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि उसी के बेसिस पर जो है आप लोगों का रजिस्ट्रेशन एआईबी एग्ज़ाम के लिए होता है, और एनरोलमेंट नंबर जो है वो आप लोगों को प्रोवाइड करती है, वहीं से जो है आप लोगों को सीओपी इशू किया जाता है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया जाता है, सबसे पहला जो है आप लोगों की जो स्टेट की बार होती है वहाँ पर आप लोगों का रजिस्ट्रेशन किया जाता है, ठीक है। सो स्टिल अगर किसी कैंडिडेट को इस चीज़ से रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई भी इशू है, तो गाइस हमारा टेलीग्राम पर लॉन टिप्स के नाम से चैनल है, उसको भी आप लोग जो है ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, या फिर आप लोग कमेंट सेक्शन में भी मेंशन कर सकते हो। सो आप लोगों को वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, अगर आप लोगों को वीडियो हेल्पफुल